अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता खुश आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के लिए इतनी सारी, ये देखें, इतनी सारी मशीन लेके आई हूँ जो कि हेयर कलरिंग के लिए एंड हेयर स्ट्रेटनर के लिए और बालों को हेयर ड्राई करने के लिए, ये सारी मैं आप लोगों के साथ मशीन लेके आई हूँ। और ये मैंने सोचा चलो मेरे पास है, मैं आप लोगों के साथ भी स्किन का रिव्यू दे दूँ ये कितनी बेस्ट है और ये इनको आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी वीडियोस को शुरू कर, तो आज आपने पूरी वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको पता चल सके कि, तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियोज़ की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको चेक करवाऊँगी, ये मेरे पास है पेटर वालों का हेयर स्ट्रेटनर। ये हेयर स्ट्रेटनर भी है, हेयर कलरिंग भी है, ये दोनों वर्क करता है। तो आप वो यूज़ किया करें जिसके साथ आपको डबल मतलब के बेनिफिट हो। तो ये देखिए मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये इसका फुल वाइट कलर है, मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, इसका बहुत अच्छा मतलब इसके कलर होते हैं। ये जो कलर आपने करने हैं इसके साथ आपके जो बारीक कलर होते हैं ना वो होते हैं। अगर आप चाहें ना तो मोटे कलर, इसके साथ मोटे जो कलर होते हैं ना वो नहीं होते, इसके साथ जस्ट आपको वो कर देगा जो बारीक कर्ल होते हैं। ठीक है, आपने ये बारीक कर्ल के लिए अगर लेने हैं तो आप ये वाला स्ट्रेटनर यूज़ करें, स्ट्रेटनर भी है और कर्लिंग भी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये ऑन ऑफ होता है। ठीक है, और यहाँ से आपको इसकी स्पीड बड़ी ज़्यादा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से आपको पता चलेगा ये कितना मतलब ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। ठीक है, ये आपको मैंने आपको इसका रिव्यू दे दिया कि ये इस तरह की है, इसके साथ आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं और बारीक कर्ल भी कर सकते हैं। बार बार मेरे से मिस्टेक हो रही है तो आपने इस चीज़ पर नहीं जाना। ठीक है, तो इसका रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर को इसके बारे में बता दी। ये भी मेरे पास हेयर कर्लिंग है और ये रेमिंगटन वालों का है, ये देखें। और ये मैंने इसको भी यूज़ किया है, ये वाला जो है ना, ये जो मैंने पहले आपको बताया वो बारीक कर्ल करने वाला है। ठीक है, ये जो है ना ये मोटे कर्ल करने वाला है। आप जितने चाहें मोटे कर्ल कर सकते हैं, ब्राइडल के, पार्टी मेकअप के, जो भी जो है ना इसके साथ कर्ल कर सकते हैं। यहाँ से आप जितनी स्पीड करना चाहें कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ पर रखें, अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो ऊपर कर दें, अगर बंद करना चाहते हैं तो आप ये नीचे कर दें। ठीक है, और ये देखें मैंने इसको वो यूज़ किया, यकीन माने ना इसके साथ कर्ल बहुत बेस्ट होते हैं। मैंने ये ब्राइडल के लिए भी और पार्टी मेकअप के लिए भी इसको यूज़ किया है, मुझे ये बहुत बेस्ट लगा है। ठीक है, ये हेयर कर्लिंग मैं आपको रेकमेंड करूँगी लाजमी इसको, ये इसके साथ छोटे भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर छोटे बारीक सा कर्ल करना चाहते हैं ना उसके साथ, इसके साथ वो भी हो जाता है। ठीक है, अगर आप अगर फॉर एग्जांपल आप अकेले छोटे करने चाहते फिर आप, मैं आपको कहूँगी कि आप वो वाला यूज़ करें। ठीक है, और इसके बाद ये है मेरे पास कैमी वालों का स्ट्रेटनर जिसके साथ बाल स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, ये भी मेरे पास अभी न्यू है, मैंने दो दफ़ा यूज़ किया है तो मुझे इसके भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। और ये देखें इसके इसमें कर्ल, इसमें कलर भी आप जो मर्ज़ी चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है मेरे पास कैमी वालों का ये स्ट्रेटनर और ये देखें कितना सॉफ्ट है और आप इसके साथ कर्ल कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ जो प्रोफेशनल जो कर्ल होते हैं उसके, इसके साथ वो भी कर सकते हैं और इसके साथ स्ट्रेटनर, ये तो फुल स्ट्रेटनर के लिए है कि आप इसके साथ बाल स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो मतलब कैराटीन वगैरह कराती हैं जो, ये उनके लिए भी बेस्ट है, आप उनके लिए भी ये यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, मेरे पास ये भी कर्ल है। ठीक है, मेरे पास आप कह रहे होंगे कि इनके पास कर्ल कितने ज़्यादा है। कर्लिंग मैंने इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि हर तरह के कर्ल करने होते हैं तो आपके पास हर तरह की मशीन होनी चाहिए जिसके साथ आप अपने कर्ल कर सकें। ठीक है, पार्टी मेकअप के लिए, ब्राइडल मेकअप के लिए, वलीमा मेकअप के लिए, सब के लिए। ये मुझे दुबई से गिफ्ट मिला है, मेरे एक कज़न है वो गया था, वो लेके आए मेरे के लिए, मेरे लिए, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। ये है ट्रेस्मी वालों का है, यूज्ड बाय प्रोफेशनल। ये देखो उन्होंने ऊपर भी बताया हुआ है ये प्रोफेशनल लोगों के लिए है, तो ये मुझे ना इसका बहुत अच्छा ये यूजेस लगा है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते। आप एक दफ़ा इसको लेके रख लें ना, सारी ज़िंदगी आपकी इनके साथ गुजर जाएगी लेकिन ये ख़राब नहीं। ये मैंने क्यों परचेज़ किया है, क्योंकि ये ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, जिसकी वजह से ना मेरे से ब्रश वैसे नहीं होता कि चलो, ये वैसे मैंने इसलिए परचेज़ किया कि ये मैंने पर्सनली यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब आप बाल को वॉश करते हैं ना तो आपसे फिर स्ट्रेट करो और उसके बाद आप उसको ड्राई करो, तो मैंने ना
सारे कामों के लिए एक ही ब्रश मंगवा के रख लिया। ये मैंने क्या किया है कि एक ही ब्रश के साथ आप अपने बाल को कंघी भी कर सकते हैं और बाल इसके साथ आपके स्ट्रेट भी हो जाएंगे और ड्राई भी हो जाएंगे, ये तीनों चीज़ें इसके साथ हो जाती हैं। लेकिन इसको बड़े एहतियात के साथ आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक पहली दफ़ा जब मैंने यूज़ किया तो मेरे बाल जो है ना वो ना बहुत बुरी तरह फंस गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे तरीका आना शुरू हो गया, तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ना अच्छा खासा मुझे रिजल्ट मिल रहा है और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और इसके साथ आप बच्चों के भी, बड़ों जो भी घर के फ़र्द हैं उनका भी इसको साथ आप ना कंघी कर सकते हैं, बाल ड्राई भी हो जाते हैं। उसके बाद जो मैं लेके आई हूँ ये है मेरे पास ड्राई, ये भी मेरे पास वो जो मैंने आपको पहले कर्ल वाली मशीन पर दिखाई है ना उसके साथ वाला, ये है रेमिगिटोन वालों का। और आप इसमें छोटा भी ले सकते हैं, मुझे ये गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो ये ना आप इसमें छोटा ले लें वो बेस्ट है, ये बड़ा है तो बस ठीक है, जो मुझे मिल गया। आपको पता है जो गिफ्ट मिल जाए तो वो कबूल करें, लेकिन ये बहुत अच्छा है। ये ना इसमें ना मैं आपको बताती हूँ, इसके साथ आपको दो तीन चीज़ें साथ मिलती हैं कि आप इसको किस तरह ड्राई कर सकते हैं। वो मेरा फ़िलहाल वो चीज़ें पता नहीं किधर हैं, मैं आपको जस्ट इसका रिव्यू दे रही हूँ, तो आप इसको मतलब कि यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे लगने वाले वो दो तीन पार्ट होते हैं, वो साथ देते हैं इसको यूज़ करने के लिए। ये गर्म, इसमें गर्म हवा भी होती है और ठंडी हवा भी होती है, सर्दियों में भी इसे यूज़ कर सकते हैं और गर्मियों में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त इसका यूज़ रहा है, मैंने भी इसे काफ़ी देर यूज़ किया है, उसके बाद मैंने ये परचेज़ कर लिया था, तो ये भी पड़ा हुआ है और इसके साथ भी मतलब ड्राई कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड जो है ना वो इसके साथ ड्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं, मैंने सब चीज़ों का आप लोगों के साथ रिव्यू दिया है, तो आई होप कि आपको इन सब का रिव्यू का पता चल गया होगा। और इनकी प्राइस मैं ऊपर साथ साथ मेंशन कर दूंगी, ठीक है। और इसको आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, वैसे शॉप पर जाके भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं है और बस आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको बार बार बात कह रही हूँ कि जो लड़कियाँ, जिन लोगों का पार्लर है, जो मतलब लड़कियों ने पार्लर बनाया हुआ है, उनके लिए ये जो मशीन है ये लाजमी रखा करें, ताकि आपको हर तरह के कर्ल बनाने आ जाए, स्ट्रेट करना आ जाए और हेयर ड्राई करना आ जाए, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन आप लाजमी नहीं है कि आप इतनी सारी मतलब परचेज़ करके रख लें मेरी तरह, नहीं, जस्ट आपने एक ही लेनी, उसमें आप सारा काम चला सकते हैं। तरीका आना चाहिए आपको, बस जिसको तरीका आ गया ना वो तो पार हो गया, ठीक है ना। जिससे आपको तरीका आ गया ना, तरीके के साथ चलना है आपने, कि एक मशीन लें उसके साथ आप स्ट्रेट भी कर लें, उसके साथ आप कर्ल भी कर लें, और उसके साथ आप बड़ी कर्ल भी कर लें, मोटे कर्ल भी कर लें, और प्रोफेशनल जो कर्ल होते हैं ना वो भी आप इसके साथ कर लें, ठीक है ना। तो आपकी बहन जस्ट आपको यही कहेगी कि आप कम पैसे लगाया करें और चीज़ को परचेज़ किया करें, ठीक है ना, ताकि आपको एक ही चीज़ में सारी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो आपको हार्मफुल लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।